नमस्कार दोस्तों, ऑल कंपैरिजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी फाइनली एक नया ग्लिच शायद आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। अभी रिसेंटली बहुत सारी आइडियो में देखने को मिल रहा है, उसी के ऊपर मैं आज ये वीडियो बनाने वाला हूं और ये वीडियो बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अभी काफी सारे लोगों की आईडी में एक ग्लिच देखने को मिल रहा है टाइटल वाला। जी हाँ दोस्तों, टाइटल उनके अचानक से शो होना बंद हो जा रहे हैं। जो टाइटल कंप्लीट है वो भी टाइटल उनकी मतलब जैसे उस कंप्लीट वाले सेक्शंस पे जाते हैं वहां पे इनकम्प्लीट दिखाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे दो तीन टाइटल कंप्लीट हैं फिलहाल, तो मेरा एक दो टाइटल तो ऐसे थे जो थोड़े थोड़े से पॉइंट से बाकी थे, मैंने करे नहीं थे, नहीं तो मैं करता तो सारे के सारे कंप्लीट हो जाते। ठीक है, तो वो भी मेरे अचानक से पूरे के पूरे रिसेट टाइप में दिखा रहा है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले मैं आपको सबसे छोटा वाला दिखाता हूँ, ये लाइक वाला टाइटल। इसको मैंने कंप्लीट कर लिया था शायद 1 से 1.5 साल पहले। ठीक है, और ये अभी भी इनकम्प्लीट दिखा रहा है, जबकि यहाँ ऊपर से आप देखेंगे तो ये कंप्लीट दिखा रहा है। ठीक है, वेपन मास्टर इसको मैंने बहुत पहले कंप्लीट कर लिया था, ये तो मेरे अभी प्रोफाइल पर भी लगा हुआ है, और ये यहाँ पे भी अभी इनकम्प्लीट दिखा रहा है। ठीक है, ये वाला है, ये मतलब ये कंप्लीट होने वाला था, इसमें 3 आउटफिट शायद बचे थे और ये भी कंप्लीट होने वाला था, लेकिन अभी देख सकते हो पूरा 0 दिखा रहा है। ठीक है, इसी तरह सब में आपको देखने को मिल रहा होगा। कलेक्टर वाले में देख सकते हो, इसमें भी वही सिस्टम है, एक एक दो दो पॉइंट से मेरे सब रह गए थे, बाकी सब पूरे कंप्लीट थे। ओवर अचीवर वाले में शायद 3 या कुछ ऐसे 100 पॉइंट के लगभग बचा था, नहीं तो ये भी कंप्लीट होने वाला। ठीक है, तो इस तरह के आप देख सकते हो कि अभी यहाँ पे कोई नहीं दिखा रहा, ऐसा लग रहा है इसमें किसी में भी कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे मतलब सारे तो नहीं, लेकिन आप दो तीन ऐसे थे जो कंप्लीट हो चुके थे, जैसे चिकन एक्सपर्ट है, इसमें एक केवल बचा था, बाकी सब कंप्लीट हो चुके थे। वेपन मास्टर ये कंप्लीट ही था पूरी तरह से, लाइक वाला वो पूरी तरह से कंप्लीट था, लेकिन अभी कोई नहीं शो कर रहा है। और ये प्रॉब्लम मेरी आईडी में नहीं, काफी सारे लोग आईडी में आ रहा है। मैं ये चेक करने के लिए ही अपनी आईडी आज लॉगिन किया था, क्योंकि कल दो तीन लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था कि भाई हमारा जो टाइटल का मिशन था वो हमने आधा कंप्लीट किया, उसके बाद हमारा रिसेट हो गया, मतलब पीछे का जितना मैंने कंप्लीट किया था वो अचानक से पूरा गायब हो गया, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और ये कैसे वापस आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका सोल्यूशन क्या है और आप इसको वापस कैसे ला सकते हो। तो इसका सोल्यूशन दोस्तों दो तरह का है, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं, आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, आप जिस भी वीपीएन से कनेक्ट किए हुए हैं इस अपने पबजी मोबाइल लाइट को, उसको एक बार डिस्कनेक्ट करिए, डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट करिए, उसमें आने का 1% का चांस होगा। ठीक, 100% नहीं है, 1% चांस है कि वो आ जाएगा अगर वीपीएन के कारण ग्लिच हुआ है तो। दूसरा दोस्तों है वो दोस्तों ये है कि आपको अपनी जो ये आपका अकाउंट है इसको आपको लॉगआउट करके जीमेल से लॉगिन कर लेना। आपने जीमेल से तो लॉगिन कर ही लिया होगा, क्योंकि मैंने आपको उस दिन एक या दो दिन पहले वीडियो बनाया था, वहाँ पे बताया था कि जीमेल से लॉगिन कर लो, क्योंकि अगर भविष्य में फेसबुक डिलीट होता है तो आपका जो पबजी मोबाइल लाइट है वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, तो इसको मैं फाइनली लॉगआउट कर देता हूँ, ये देखो लॉगिन कर रहा हूँ, लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। तो फिलहाल शायद मेरा वीपीएन कनेक्ट नहीं हुआ है, तो फटाफट से इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर आपको आगे दिखाता हूँ। तो फाइनली मेरा वीपीएन कनेक्ट हो गया और ये ओपन हो गया। ठीक है, तो जैसे ही ओपन होगा अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो फिलहाल ये इवेंट आया लकी ड्रॉ। अच्छा भाई ये चलो इसको बाद में देखेंगे, तो फिलहाल अभी हमें चेक करना है अपना भैया टाइटल कि टाइटल वो शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है। ठीक है, तो चलिए भाई टाइटल पे चलते हैं और शायद वो प्रॉब्लम जो मैं आपको दिखा रहा था वो फिक्स हो गई होगी। ठीक है, तो चलिए किसी एक पे क्लिक करते हैं और ये देख सकते हो कि यहाँ पे फाइनली वो फिर से शो होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपकी आईडी पे वो ग्लिच काम कर रहा है, ठीक है, आपकी आईडी पे शो नहीं कर रहा है और आप उसी टाइम पे मान लो जैसे कि अभी मेरे 2500 पॉइंट दिखा रहा है और ये मैं पॉइंट और ज़्यादा कलेक्ट करूँ, मेरी आईडी पे शो ना कर रहा हूँ, ये ग्लिच में फिक्स ना करूँ और ऐसे ही मतलब कलेक्ट करता रहूँ, तो दोस्तों उसमें आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, उसमें और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, जैसे कि ये वाला है। ठीक है, सॉरी कहाँ गया, कलेक्टर वाला ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पर 294 आउटफिट दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैं कोई आउटफिट परचेस कर लूँ और ये मेरे में ग्लिच हो, 00 जैसे शुरू में दिखा रहा था ना 00, वैसे 00 दिखा रहा हो, मैं आउटफिट परचेस कर लूँ तो वो यहाँ पे काउंट नहीं होगा। तो अगर आपकी आईडी में ऐसा कुछ ग्लिच दिखा रहा है तो आप सबसे पहले ग्लिच को फिक्स करिए, जैसे मैंने फिक्स किया, उसके बाद आप मिशन करिए, नहीं तो आपका मिशन जो है स्टार्टिंग से लग जाएगा, इसमें काउंट नहीं होगा। मैं आपको पहले बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मिशन काउंट नहीं हो रहा है, मतलब वो वहां से कर तो ले रहे हैं लेकिन वो यहाँ पर काउंट नहीं हो रहा है क्योंकि उनका ग्लिच हो जाता है। अगर आपकी आईडी में ग्लिच हो जा रहा है तो आप उसको एक बार वीपीएन चेंज करिए और उसके बाद लॉगआउट करके दोबारा से लॉग इन करिए। ये प्रॉब्लम तब आती है जब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक ही मतलब उससे अकाउंट से लॉगिन किए रहते हैं, मतलब फेसबुक से आपने लॉगिन कर रखा है, जीमेल से नहीं लॉगिन कर रखा है, तो ये प्रॉब्लम आपको ज़्यादा आएगी। अगर आप दोनों से लॉगिन करके रखें तो जल्दी से आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अगर आज का छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ऐसी नई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर देना, जिससे नए वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए।